हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में, आपके इस रिश्ते के बारे में। ओके, उनकी क्या थॉट्स होंगे। ठीक है, देखो कितना प्यारा कार्ड आया है। ओके, देखते हैं। और ये जर्नल रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के साथ जा सकेगी ये रीडिंग। सभी जोडियक साइन के लिए हैं। आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, सभी के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए। ओके, जब तक हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एकदम पॉजिटिव रहना है, वही थॉट्स क्रिएट करना है कि जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचे। ठीक है, ओ स्पिरिट हमें डिवाइन गाइड कीजिए हमारे उसके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या सोचने वाले हैं उनके बारे में। स्टार, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारे, ओके, ओ नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचने वाले हैं उनके बारे में। ओ माय गॉड, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारे व्यूअर्स की बात है। टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स। भाई, यहाँ पे आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी उलझनों से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल अलग एनर्जी आई है। थ्री ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स। मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, गाइस, यहाँ पर इस रिश्ते के लिए ना आपको पॉजिटिव होना है। आप पॉजिटिव रहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई जो आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो नेक्स्ट 24 आवर्स की ही बात करते हैं हम, कि वो चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत हो जाए। नेक्स्ट 24 आवर्स में वो फिज़िकली अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आपके साथ जो फोटोग्राफ हैं या आपने अपने फ़ोटोग्राफ शेयर किए हैं उनके साथ में, वो फ़ोटोग्राफ वो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे मुझे स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है हर जगह से, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, तो वो आपके साथ आपके फ़ोटोग्राफ्स तो देखेंगे ही, साथ में वो ऑनलाइन आपको देखना चाहेंगे कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो। आप पे नज़र रखने के लिहाज से नहीं कि वो आप पे नज़र रखना चाहते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब आपको ऑनलाइन देखेंगे तो उन्हें तसल्ली मिलेगी कि शायद आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया है। अगर आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है, तो फिलहाल आप अनब्लॉक कर दें, भले से फिर आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उनको ब्लॉक करें या ना करें। इन दिनों के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, तो आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट
24 आवर्स में आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपकी तरफ जो भी उनकी सिचुएशन है जिस वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ, वो चीज़ें, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, और आपके पार्टनर जिस भी बंधन में हैं, जिस भी रिश्ते में कह लीजिए, जिस भी थर्ड पार्टी में है, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, उन सभी को भूलकर, उन सभी रिश्तों में से निकलकर आपके पार्टनर आपके पास आने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी कह दिया, आर्ग्यूमेंट भी हुई है, तो लेकिन वो किसी एक चीज़ में बंधे हुए हैं कि वो बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन इन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर उस चीज़ से, उस सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर उनकी कॉल मैसेज आती है तो आप उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। अगर इस नेक्स्ट 24 आवर्स में मान लेते हैं कि वो आपको अनब्लॉक करते हैं, ऊपर वाला करें अनब्लॉक कर दें वो आपको, और आप दोनों एक दूसरे को देख सकें, एटलीस्ट मन को शांति मिलेगी आप दोनों के ही, तो आप उनको कोई भी ऐसी कड़वी बात नहीं कहें, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी, जिनको भी वो अपना मान के बैठे थे, नेक्स्ट 24 आवर्स में वो अपने उन्हें धोखा देने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ कुछ तो धोखा होने वाला है, जिन रिश्तों पे या जिस बिज़नेस पे, जिस जॉब पे आपके पार्टनर ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश और मेहनत की थी, उन्होंने कुछ सेविंग्स की थी, वो सारी उनके खर्च होने वाली है उनकी लाइफ में। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ तो नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको सभी लोग धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धोखा तो देंगे ही, साथ में आपके पार्टनर यहाँ पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ा कारण होगा कि वो इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, आपके साथ नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहेंगे, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। ओके, बैलेंस करना चाहेंगे, जैसे ही बैलेंस होगा ये रिश्ता, बैलेंस करने में आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आएँ, और आएँ भी तो एक कमिटमेंट लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि वो एक कमिटमेंट जो नहीं दे पा रहे हैं आपको, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव हैं। एक ऐसा कमिटमेंट जो कि बहुत ठहराव देगा इस रिश्ते को, इस रिश्ते की जो गलत फहमियाँ थी, जो और कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे थे, उस सब में से निकलने की पूरी कोशिश करके आपको एक ठहराव, एक बातचीत देना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं आपसे, हो सकता है वो बात हो जो आप सुनना चाहते हैं, एक वो बात हो जिसकी वजह से आप दोनों में गलत फहमी पैदा हुई है। यहाँ पर 8 of Cups की एनर्जी भाई, यहाँ पर आपके पार्टनर जब आपके पास से गए तो भी खुश नहीं थे, वो जितना भी आगे बढ़े हों, लेकिन वो आपका प्यार और उस यादों के साथ हैं अभी भी। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये रिश्ता नया हो, लेकिन प्यार इसमें इतना ज़्यादा था कि ऐसा लगता होगा आप दोनों को कि काफ़ी समय से आप दोनों साथ हैं। हो सकता है मैरिड हैं, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में 8 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 3 महीने 3 हफ्ते हो चुके हैं इस रिश्ते को सेपरेशन में गए हुए, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये भी पता चल सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो नेगेटिव हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी है कि नई शुरुआत होकर आपके पार्टनर कमिटमेंट लेकर आ सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा शुरुआत, बहुत ज़्यादा चांस की बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कन्फर्म इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ चलती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके ओके, ये एक कार्ड आया है हमारे पास, किंग ऑफ सोर्ट्स। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपकी हेल्थ थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इन 24 आवर्स में आपको कॉल मैसेज करते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं, तो देखो उनकी एनर्जी इस तरीके की होंगी, वो सभी का गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हंसी खुशी रहना है, अपने पार्टनर को थोड़ा सा हैंडल कीजिए। जब आप उनके साथ इतने लंबे रिश्ते में रहे हैं तो उनकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बातें आपको पता होंगी, किस बात से वो चिढ़ जाएंगे, किस बात से वो खुश होंगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अपने पार्टनर की, और ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, ठीक है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग, आई होप आप सभी को पसंद आई, और ऊपर वाला करें नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर आपके पास आएँ और अपने दिल की बात कहें और आपको एक कमिटमेंट दें और बैलेंस लेकर आएँ इस रिश्ते में। ओके, गलत फहमियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएँ आप दोनों के रिश्ते की। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।